बिग बॉस तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो एक सीन है और एक सवाल है। तो सीन है हमारे अपडेट का एज एन कि अभी हम एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉपर सेकंड फेज में आ चुके हैं, जहां डाइट में हमने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, जिसमें से कुछ मेजर चेंजेस तुम्हें बताते हैं। जैसे कि आज तुम 50वां दिन देख रहे होगे, तो पहली चीज़ तुम्हें अपडेट देते हैं, वेट हमारा भी 99 प्लस है और 100 किलो टच कर जाता है, 100-101 जाता है पीक वेट, ठीक है। और हमने शुरू किया था 106 किलो से, तो ये वेट का अपडेट है। फैट परसेंटेज तुम लिटरली देख सकते हो, तुम अभी ये फ्रेम देखो और डे जीरो पे जाके तुम फ्रेम देखोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कितना ज़्यादा अंतर है और काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इस बार हमारा फैट काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, मसल मास लिटरली हम फील कर पा रहे हैं कि हमने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। ये बेस्ट चीज़ है, स्पेशली हमारे कोर पे या एब्डोमिनल पार्ट पे, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है और लेग्स पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। बैक पे हम इंप्रूवमेंट देख पाएंगे जब हम थोड़े और ज़्यादा लीन होंगे, तो वो चीज़ रहेगी। बाकी चेंजेस की बात करें फिर तुम्हारे एक सवाल पे आएंगे, और सवाल होगा कि कैसे जो जिम में इंजरीज वगैरह होती हैं तो उनसे कैसे रिकवर करें। तो पहले जो चेंजेस हैं, अभी हमने मोस्टली डाइट में कार्ब कम किए हैं और फैट्स कम किए हैं। प्रोटीन तो देखा जाए तो एक सोर्स बढ़ाया है। हम प्रोटीन को जब बात करते हैं तो प्रोटीन मान के चल रहे हैं, हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात करते हैं अपने मेजर फूड सोर्सेज की, जिसको ही हम एक तरीके से कंसिडर करते हैं, जिसमें आधा किलो छाती और अभी पहले इससे पहले 9 अंडे थे वो अब 12 हो चुके हैं प्रॉपर, और 3 स्कूप या 3 से 3.5 स्कूप वे प्रोटीन, ये हमारा प्रोटीन का सोर्स मान के चलते हैं। और बाकी जो आता है वो तुच्छा पुच्छा जो आता है बाकी के फूड सोर्सेज, हम उसको गिनते तक नहीं है, ये चीज़ जान लो, ठीक है। और इसी को हम मान के चलते हैं कि ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है प्रोटीन का, और इसके अकॉर्डिंग हमें आगे आने वाले दिनों में चेंजेस करने होते हैं। और इसको हम इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि जो तुम्हारा पीक श्रेड होता है उसमें कार्ब ना के बराबर होते हैं, तो प्रोटीन इंटेक पे ही तुम ज़्यादा फोकस करते हो। तो अभी से ही हम अपनी बॉडी को रेडी करते हैं कि ये मेजर फूड सोर्सेज तुम्हारे प्रोटीन के होने वाले हैं और यही तुम आखिरी में भी ले रहे होगे, तब स्विच करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। कि जैसे अभी हम आधा किलो खा रहे होंगे छाती वगैरह, तभी हम भी इतना ही खा रहे होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो दिक्कत नहीं आएगी, तो ये चीज़ भी है। बाकी आते हैं कम क्या क्या किया है। अब हमारे ओट्स 50 ग्राम हैं और पहले 70 या 60 ग्राम थे, और राइस भी अब 50 ग्राम है, ये अब नीचे जाएगा, ये ऊपर जाने वाला नहीं है। दाल हमारी 30 ग्राम है, ब्राउन ब्रेड की स्लाइसेस पहले 3 थी अब वो 2 हो गई हैं। यही मेन सोर्सेज हैं हमारे कार्ब के। फैट्स की बात करें, पहले पीनट्स का जो हमारा इंटेक था वो इजीली 50-25-25 यानी 100 ग्राम था, अब वो हो गया है 40 ग्राम यानी 2 बार में सिर्फ 20-20 हम लेते हैं ब्रेकफास्ट में से, तो हमने पीनट्स हटाई दिए हैं। और उसकी जगह जो हमने तुम्हें बताया था कि 50 ग्राम हम ये लेते हैं जो मिक्स ड्राई फ्रूट्स आते हैं, और इसका सीन बता दें इसमें मोस्टली, क्योंकि इसमें करीब 40% तुम्हारी किशमिश रहती हैं और किशमिश तुम्हारी पीनट से ऑलमोस्ट सेम अमाउंट के लिए हाफ कैलोरीज देती हैं, तो ये तुम्हारा पीनट से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो एक तरीके से मान के चलो फैट्स की जो क्वांटिटी थी वो ऑलमोस्ट हाफ आ चुकी है, रिक्वायरमेंट तो हमारी अभी भी पूरी हो ही रही है जो कि होनी चाहिए, मेन चीज़ ये है, ठीक है। बाकी अभी हमने फ्रूट्स भी कम किए हैं, फ्रूट्स में हमने पाइनएप्पल कम किया है। अभी हम इसी वीकेंड से हम कोशिश करेंगे कि हम एक वेजिटेबल ऐड करें, जिसको हम अपने 2 मेजर मील जो हैं अपने लंच और डिनर उसमें ऐड करें, ताकि फाइबर इनटेक हमारा पूरा हो सके, उसको हम काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं तक, क्योंकि डाइजेशन ज़रूरी है, ठीक है भाई। तो ये चेंजेस हैं फिलहाल के लिए जो हमने तुम्हें बताए हैं। बाकी अब बात करते हैं तुम्हारी जो इंजरी वाला पार्ट था, तुमने देखा होगा बीते कुछ दिनों से हमारे 1-2 इंजरी नहीं कहेंगे, इंजरी तो मान के चल सकते हो वो होती है जब चीज़ें कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं, जब तुम मूवमेंट ही नहीं कर पाते हो तब तुम मान के चल सकते हो वो इंजरी है। कहीं पेन वगैरह है हल्का फुल्का, देन उसको तुम रिकवर कर सकते हो यानी रेस्ट दे सकते हो, या इवन उस मसल के लिए थोड़ा स्लो जाओ एंड देन वो रिकवर हो जाती है। अगर मान के चलो इंजरी होती है, अगर सीरियस है, तो भाई हम तो यही कहेंगे, तो देखो मैं 10 साल का एक तरीके से ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस है और भगवान की दुआ से अभी तक कुछ भी ऐसा सीरियस नहीं हुआ है। और जिम क्या होता है, थोड़ा तो तुम्हें मान के चल सकते हो, जब तक तुम डर के करोगे तब तक तुम प्रोग्रेस नहीं करोगे, और जब तुम खुद को एक्स्ट्रा पुश करोगे तो ये पेन वगैरह थोड़ा सा नॉर्मल है, और तुम्हारी बॉडी उस चीज़ से एक तरीके से उस चीज़ को अडाप्ट करती है और देन तुम चीज़ सीखते हो। तो यही चीज़ मान के चल सकते हो कि हाँ, अगर तुम्हारे पेन वगैरह हो रहा है
और उससे तुम रिकवर करते हो, देन तुम्हें पता चलता है कि अच्छा ये गलती है, ये नहीं करनी, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा कंसिडर करके चलो। अगर मान के चलो हल्का फुल्का दर्द है, जैसे तुमने देखा होगा पिछले 2-3 दिन से हमारे साथ क्या हुआ है, एक हमारे लेफ्ट में लोअर बैक पे हमारा पेन हुआ था, तो वो हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने उसको सीरियस लेते हुए कुछ दिन हमने ट्रेडमिल को रोका, या फिर जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो इसको बढ़ा सकती थी उसको एलिमिनेट किया, लेकिन हमने वर्कआउट नहीं रोका, है ना। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन हमें पता था कि कौन कौन सा वर्कआउट इस चीज़ को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो वो मूवमेंट हमने अवॉइड किए, और इवन हमने वे क्या कहते हैं वेटेड वेस्ट जो थी उसको अवॉइड किया, उसको यूज़ नहीं किया। कैलोरीज हमने सोचा कि चलो सेम बर्न कर लेंगे, वो तो थोड़ा टाइम ज़्यादा दे के कर सकते हैं, लेकिन रिकवरी ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक ये तरीका होता है कि अवॉइड करो वो मूवमेंट जो उस चीज़ को और ज़्यादा दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको रिकवर होने दो, टाइम दो, सबसे अच्छी चीज़ यही होती है। और अगर कुछ सीरियस मामला है तो डॉक्टर मत बनो, डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। और ऐसा हो सकता है, स्पेशली होता कब है जब, और हम सही बताएं ऐसा होता है कुछ ही मूवमेंट में, जैसे बारबेल रोज हुआ, डेडलिफ्ट हुआ, या क्या कहते हैं तुम्हारा चेस्ट प्रेस में हुआ, तो मोस्टली लोग तभी इंजर्ड होते हैं जो एक तरीके से कहा जाता है एक्सरसाइज के मम्मी पापा चाचा ताऊ हैं, मदर फादर, और क्या कहते हैं फादर ऑफ ऑल एक्सरसाइज, मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइज, जो डेडलिफ्ट वगैरह रहती हैं, तो इनसे इंजरी के काफ़ी चांसेस होते हैं। और तुमने देखा होगा कि हम तो अवॉइड ही करते हैं ये कुछ मूवमेंट, जो कि हमें लगता है कि नहीं, हमें लगता है कि हमारी मसल ग्रोथ इनके बिना हो सकती है और हमारी बैक स्ट्रांग भी हो सकती है इनके बिना। और लिटरली हमें अब फील होता है कि ये मूवमेंट हाँ तुम्हारे पावर लिफ्टिंग के लिए ज़रूरी है, ये चीज़ जान लो, अगर पावर लिफ्टिंग में हो तो इनके बिना नहीं होने वाला कुछ, और ये कहीं ना कहीं तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं अगर सही से करो तो, ठीक है। लेकिन जो मसल बिल्डिंग वाला पार्ट है, जो हाइपरट्रॉफी वगैरह कह लो, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि ये करो ही करो। कुछ सिमिलर मूवमेंट है जिससे तुम्हारी बॉडी ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती है, वो ज़्यादा प्रेफर करो। जैसे तुमने देखा होगा हम बारबेल लोज के साथ काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कंफर्टेबल होने लगे हैं, तो हम वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और उसमें डिसेंट वेट लिफ्ट भी कर लेते हैं। इवन उसमें हमने कितने 75 या फिर मेरे ख्याल से हम 100 किलो गए हैं उस पर, लिटरली सही बताएं तो हमने 25-25-25 की 4 प्लेटें शायद लगाई हैं, वीडियो में भी है शायद हमारे पास, तो इतना हम जा चुके हैं, तो मतलब कि एक तरीके से ठीक ही है मूवमेंट, और वो हमने बहुत कंफर्टेबली लगाया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम तो रिकमेंड ये करेंगे पहले रिकवरी पर टाइम दो, रिकवरी को टाइम दो, कहीं भी पेन हुआ है तो रेस्ट दो, जो गर्म पानी ठंडा पानी वाला सीन रहता है वो तो तुम्हें पता ही होता है कि अगर तुम्हारी इंजरी हुई है तो तुम्हें तुम्हें सिकाई वगैरह करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें पहली चीज़ है, उसको टाइम देना होता है सबसे बड़ी चीज़ कि रिकवर होने दो। ज़रूरी नहीं है कि अगर मान के चलो जैसे तुमने देखा होगा हमारी फटी थी उस दिन, जब इस उंगली पे पता नहीं क्या हो रहा था, वेंस वगैरह वाला पार्ट हो रहा था, तो अब हम देख रहे हैं कि अब कुछ भी नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले जब हुई थी ये चीज़ तब यहाँ एक तरीके से हमें लग रहा था कि वेन आ गई है ऊपर या क्या है, और अभी भी हम फील करते हैं हल्का हल्का कि कुछ तो है, हल्का हल्का है, लेकिन वो चीज़ सही हो रहा है, सिंपल सी चीज़ ये है, तो हम इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है और ये खुद ही सही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई तुम्हें टाइम देना होता है, और अगर सीरियस चीज़ है तो डॉक्टर को दिखाओ, ये ज़रूरी है। बस भाई यही ज्ञान पेलना था, बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे लेग्स डे, और काफ़ी अच्छा लेग्स डे है, हम बस इंतज़ार ये कर रहे हैं यार, हमने ये बोला भी है कि हमारे सारी मसल श्रेडेड हो जाती हैं, लेकिन अभी तक हमने क्या हुआ है कि पिछले कट में भी हम गए थे तब तुम्हारी लेग्स पे वेंस नहीं आती, और इस बार हम बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं खुद को कि हम इतने श्रेडेड हो सकें कि एटलीस्ट इस बार हम अपने लेग्स पे वेंस देख पाएँ, और वो हमें बहुत ज़्यादा खुशी देगा, और लिटरली उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं, एक्सरसाइज सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा सही है, और जब वो आएंगी तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी, तो उसी के लिए हम ट्रेन भी कर रहे हैं, और यही एक हमारा एंड गोल होगा कि हम लेग्स पे इतना ज़्यादा फैट कम कर पाएँ अपना कि उस पर हम वेंस क्लियरली अच्छे से देख पाएँ। तो वो एक तरीके से इस बार की हमारी जर्नी का कह लो ये एंड गोल है, तो ये चीज़ तुम्हारे साथ शेयर करनी थी। बस भाई बाकी तुम लेग्स डे देखोगे, बताना कैसी लगी, और उससे पहले देखोगे सुबह की क्लिप। तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में, और इस बार छिली हुई सुबह की चर्चा हुई है, छिली एज इन की हमारे बाल छिल चुके हैं, ये तुम पहली बार सुबह मैं ऐसे देख रहा होगा क्योंकि कल सुबह तो नहीं कटे थे, तो आज पहली बार तुम देख रहे होगे सुबह में। तो बता दें तुम्हें कि आजकल हमारी नींद काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पूरी हो रही है, और पूरी इसलिए हो रही क्योंकि
हमने थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होके क्या कहते हैं 9:45 बजे फ़ोन दूर कर दिया है। पहले क्या होता था कि शुरू में एकदम रिग्रेस गए थे तो 9:30 तक रख देते थे, लेकिन क्या वो बीच में हराइन बना हुआ, फिर वही 10 बजने लगा। 10 बजे जब तुम फ़ोन रखते तो तुम्हें 10:15 बज ही रहेगा सोते सोते, तो नहीं। लेकिन अब हमने 9:45 बजे चालू कर दिया है और वो कुछ दिन से बरकरार है और नींद भी एकदम टाइम पर आ जाती है, तो ये चीज़ भी है। इसी तो तुम्हें अपडेट करते हैं, अभी हम करते करते बचेंगे। साला पानी ज़रूर भरेगा यहाँ पे, तो बारिश तो वाली डेली होती होती है, तो ये चीज़ भाई। बाकी तुमसे जिम में मिलते हैं। तो भाई तुम्हारा फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, और आज लेग्स डे हमारा, लेकिन क्योंकि आज भी है और परसों भी है तो आज सिर्फ 5 मूवमेंट रखने वाले हैं, जिसमें 2 होंगे क्वाड्स के डेडिकेटेड और 1 रखेंगे सिर्फ हैमस्ट्रिंग का। हैमस्ट्रिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि हैमस्ट्रिंग कर्ल करें या फिर भाई जो सूमो डेड करते हैं उसके जैसा कुछ करें, तो वो भी देखते हैं आगे कैसा रहता है। लेकिन एक हमें लेग प्रेस करनी है, स्मिथ मशीन स्क्वाट नहीं करेंगे क्योंकि इस हफ्ते थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं लोअर बैक की वजह से। अब हालांकि ये नहीं है, अभी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। क्या कहते हैं, ईगो को थोड़ी सी अपनी बत्ती बनाओ और पिछली जिम में रख लो वो वाला सीन है, तो ईगो को सामने नहीं आने दे रहे हैं और सेफ जोन में जाके कर रहे हैं ताकि पूरा रिकवर हो जाए अगर ज़रा सा भी वो कुछ हो। और क्या था, 5 मूवमेंट रहेंगे टोटल ये, जिसमें से 2 आखिरी वही इनर थाई और ग्लूट्स रहने वाला है। और एक चीज़ और शेयर करनी तुम्हारे साथ कि साला हमारा जो प्री वर्कआउट है वो है तो अच्छा, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और क्वांटिटी ज़्यादा होने का मतलब ये हो जाता है कि बहुत साला मीठा लगता है वो। कितना, 10 ग्राम की उसकी सर्विंग है और 10 ग्राम में वो हिट अच्छा कर रहा है कि फील करते हैं कि अच्छे से, यानी वो चूने उन्होंने काटते हैं और पूरा जोन में आते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि 10 ग्राम बहुत ज़्यादा हो जाता है, एकदम साला ऐसा लगता है कि चाशनी पी के आ रहे हो। तो अगर तुम प्री वर्कआउट सेलेक्ट कर रहे हो उसका सर्विंग साइज़ ज़रूर कंसिडर करना कि वो 5 ग्राम का है, 7 ग्राम का है, 10 ग्राम का। अगर वो 5 ग्राम में ज़्यादा तुम्हें सारे कंपाउंड प्रोवाइड कर रहा है जैसे कैफीन हुआ या बाकी चीज़ें, तो वो ज़्यादा सही है रेदर देन कोई तुम्हें 10 ग्राम या 15 ग्राम के सर्विंग साइज़ में इतना प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अभी हम जो ले रहे हैं वो 10 ग्राम में 200 mg कैफीन तुम्हें देता है, मेजर हम इसी पे करते हैं, तो हमें लगता है। लेकिन सारा 10 ग्राम बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर यहीं अगर हमें 5 ग्राम में कोई 150 mg कैफीन वगैरह मिलता है तो वो ज़्यादा सही रहेगा अगर वो अच्छे से हिट करता है, ये चीज़ भी है। लेकिन चलेगा, अब 10 ग्राम मतलब समझ रहे हो ना कि साला इतना बड़ा स्कोप है उसका, इतना बड़ा कि दिमाग को एकदम कहते ना कि जीभ थाली पूरी वो हो जाती है कि क्या पी लिया साला, तो वाला सीन भी है। बाकी तुमसे अभी वार्म अप करेंगे, वार्म अप में वही रहने वाले हैं 2 हैमस्ट्रिंग, और हैमस्ट्रिंग के बाद फिर जाएंगे 1 वॉकिंग लंजेस पे और फिर क्वाड्स पे। बस भाई ये रखते हैं, बाकी तुमसे मिलते हैं बाहर। ओके भाई, इसका वार्म अप तो अभी हमने किया है और काफ़ी सही फील हो रहा है, मतलब कि एटलीस्ट प्रोसेस करने में दिक्कत तो बिल्कुल नहीं आ रही है जितना हम सोच रहे थे शूज़ के साथ आएगी। हल्का सा हाँ फिटिंग को लेके हम अभी है कि हल्के से टाइट फील होता है, लेकिन चलेगा। और ये कॉपीराइट वाला गाना बज चुका है तो अब कॉपीराइट आएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 11 10 9 8 7 6 5 3 2 1 जो मूवमेंट कर रहा है वो है लेग एक्सटेंशन। अगेन इसमें थोड़ा सा हैवी जाने की कोशिश करेंगे लेग प्रेस की तरह। उसमें मेरे ख्याल से आखिरी सेट में रेप्स तो हमने काउंट नहीं किए थे, बट मेरे ख्याल से मिनिमम तो 8 थे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम तो 8 थे ही थे। और रेंज ऑफ मोशन भी काफ़ी सही हमें लग रहा था, हालांकि जब कर रहे होते हैं तब तक फील नहीं होता क्योंकि हमें स्मिथ मशीन स्क्वाट की इतनी ज़्यादा आदत हो गई कि जब तुम्हारे हैमस्ट्रिंग काफ से टच नहीं करते तो वो डेप्थ जाती नहीं, लेकिन लेग प्रेस तो तुम इतना जा ही नहीं सकते। पाँच 6 7 8 9 10 6 5 4 3 2
आज हल्का हल्का बैक ऑफ द माइंड आ रहा है ड्रॉप सेट करने का, मन तो कर रहा है। डिपेंड करता है कि कैसे सेट लगते हैं बाकी के, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बट इसमें तो अभी हमें 10 लगाना है और अगले में 8 जाएंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ओके भाई, तो अगला मोमेंट कर रहे हैं ये हैमस्ट्रिंग कर्ली कर रहे हैं। सुस्त रहते थे कि सुमो करें, लेकिन हमें लगता है कि उस पर इतना हम पुश कर नहीं पाएंगे, क्योंकि डम्बल थाला उठा के रखने वाले के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए और आज हम उतना करना नहीं चाह रहे। अभी तो मैं अपडेट देते हैं, आखिरी में ड्रॉप सेट किया था, लेकिन जितना हम सपोर्ट के साथ कर पाते हैं, सपोर्ट एज एन की ये नहीं कि तुम्हें वो कर रहा है, लेकिन एक बंदा जो तुम्हारे सामने खड़ा होता है, जो तुम्हें पुश कर रहा होता है, वो ज़रूरत होती है उस चीज़ की, वो अकेले में नहीं हो पाता। हालांकि रेप्स कितने, मेरे ख्याल से 70 से 80 रेप्स का ड्रॉप सेट होगा, जिसमें 2 या 3 प्लेट के ड्रॉप पे ले रहे थे, 8 से 10 रेप के बीच में। लेकिन लगता है कि जो हमारा पीक ड्रॉप सेट होता है, उसमें हम सिर्फ एक प्लेट छोड़ के कम करते हैं। अभी हमने जैसे 2 प्लेटें छोड़ के कम की थी, तो कम से कम 15 बार हमें एक तरीके से पिन निकालनी होती है, हर एक में 10 रेप करते हैं मिनिमम। वो तब होता है जब कोई सामने खड़ा होता है, तुम्हें पुश कर रहा होता है उस केस में, लेकिन जब हम अकेले करते हैं तो इतना नहीं कर पाते। अब तुम समझ ही रहोगे क्यों। हालांकि रहता है जब साथ में भी रहता है तो वो तुम्हें एक तरीके से सपोर्ट भी देता है, लेकिन जब अकेले करते हैं तो थ्रू आउट दी सेट कह लो खुद से ही कर रहे होते हैं। कम ऑन, पंद्रह, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ओके भाई, अभी ये आखिरी मूवमेंट है। अभी हमने 50 मीटर करीब वॉकिंग लंजेस भी की थी, एक अच्छे तुम्हारे स्ट्रेच के लिए। वॉकिंग लंजेस हमारी बहुत अच्छी लगती है, बस अभी प्लान में बन नहीं रही है वो करते हुए, लेकिन अभी ये करना है, क्या कहते हैं, ग्लूट्स के लिए। अगेन फुल स्टैक के साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लाइट वेट लगता है। बारह, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ओके भाई, तो वर्कआउट यहीं तक था और वर्कआउट काफ़ी अच्छा था। सिर्फ 5 मूवमेंट थे, लेकिन 5 के 5 काफ़ी अच्छे से किए हमने। सबसे पहले था लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन में ड्रॉप सेट ही था, फिर था हैमस्ट्रिंग कर्ल और फिर इनर थाई और ग्लूट्स के लिए था। ठीक है, तो बाकी सब सही जा रहा है, लेकिन हमारी बस एक ही, क्या कहते हैं, वो है एक ही गोल है इस कट का, वो ये है कि अभी तक हमने अपने लेग्स पे वेंस नहीं देखी हैं। हमने अपने अपर बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कट देखा है, पूरे स्टारेशन वगैरह भी देखे हैं, लेकिन अभी तक हमने अपने लेग्स पे वो ही, क्या कहते हैं उसको, वेंस वगैरह नहीं देखे हैं। इस बार जो हमारा कट हो, एटलीस्ट हम चाहेंगे उसमें कि लेग्स हमारी सबसे ज़्यादा श्रेडेड हो, तो उसके लिए ही एक तरीके से एम कर रहे हैं। थोड़ा स्पेशली होता है कि इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग भी कहीं कोई अलग अलग तरीके से फैट होल्ड करता है, लेकिन हमारे क्वाड्स पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हम फैट होल्ड करते हैं, या फिर वहाँ का जो फैट है काफ़ी लेट जाता है। काफ्स में भी ठीक है एंड अपर बॉडी में भी कहेंगे काफ़ी सही है,
लेकिन हमें स्पेशली अपने क्वाड से फैट कम करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर इतवार वो कम हो जाता है तो मज़ा आ जाएगा, पर ये चीज़ हम बार बार बोल के खुद को याद दिलाते रहेंगे, ये चीज़ भी है। बाकी भाई तुमसे मिलते हैं अगली ब्लॉग में।